गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्म पे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था और ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन जो हमने कंप्लीट की थी वो इस प्रकार के 10 स्टेप्स में कंप्लीट की थी। हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं और ये हम देख लेते हैं कि कौन सी उत्क्रमणीय है और कौन सी अनुत्क्रमणीय या फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। तो हमने देखा था रिएक्शन नंबर 1 जिसमें हेक्सोकाइनेज काम में आता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, रिएक्शन नंबर 2 जिसमें फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है और जिसमें जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बिस फॉस्फेट में। अब क्योंकि ये एक एटीपी यूज़ करने वाली रिएक्शन है तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम काम में आएगा, क्योंकि जो इसका सब्सट्रेट है वो फॉस्फोफ्रक्टोज है, इसलिए फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज एंजाइम का नाम है। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इरिवर्सिबल है। इसी प्रकार से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इरिवर्सिबल है। इसके बाद में है एल्डोलेज एंजाइम, क्योंकि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीसिटोन फॉस्फेट बनाएगा और उसके बाद में ये दोनों भी आपस में इंटरचेंजेबल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड देन पाइरूवेट। तो ये 10 स्टेप्स कि एक ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप्स हैं वो हैं, ये आप याद कर लेंगे। ये तो बात हुई ऑक्सीडेटिव या फिर जो हम बोलेंगे वायवीय श्वसन की या एरोबिक रेस्पिरेशन की, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें पाइरूवेट के बनने के बाद कुछ स्टेप्स आगे और होते हैं जिसके द्वारा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो भी उत्पाद हैं उनका निर्माण होता है। कैसे, तो हम एक बार कंपैरिजन भी हो जाएगा हमारा कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस में क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की। अगर अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वही सब रिएक्शंस होगी, ग्लूकोज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आप देख रहे हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड पाइरूविक एसिड। लेकिन जैसे कि पाइरूविक एसिड बनने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल बनता है, डिपेंड करता है कि उसका वहाँ पे फर्मेंटेशन किस प्रकार का हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो NAD से NADH का निर्माण होगा, सॉरी NADH से NAD का निर्माण होगा, और उसी प्रकार अगर इथेनॉल और CO2 बनेगा तब भी एक NAD यूज होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं वापस हम रिपीट कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 1 में 1 ATP काम में आया, रिएक्शन नंबर 3 के अंदर हम देख रहे हैं 1 ATP काम में आया, तो 2 ATP तो यूज़ हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ATP बने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट काम में आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे भी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से जब पाइरूवेट बन रहा है तो भी 2 ATP बन रहे हैं। तो 4 ATP तो ये बन गए और 2 ATP काम में आ गए, तो टोटल 2 ATP का तो यहाँ पे गेन हुआ, प्लस 2 NADH बन रहे हैं। एक NADH 3 ATP के निर्माण में सहायता करता है। ये जब आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि एक NAD इक्वल टू 3 ATP। तो यहाँ पे कितने NAD बन रहे हैं, 2 NAD बन रहे हैं हम देख रहे हैं, तो 2 NAD कितने हो जाएंगे, 6 ATP का निर्माण कर देंगे। तो 2 ATP प्लस 6 ATP इक्वल्स टू 8 ATP का हमको बेनिफिट हुआ एरोबिक में। लेकिन अगर हम बात करें एनएरोबिक की तो यहाँ पाइरूविक एसिड तक तो वही 8 ATP का हमको गेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 NADH काम में भी ले लिए हैं। तो आप देख रहे हैं चाहे लैक्टिक एसिड बने, चाहे इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड बने, NADH दोनों में ही यूज़ में आ रहे हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज के अणु दो, हर चीज़
आप दो दो ही काउंट करेंगे, डबल काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी दो बन रहे हैं, एनएडी भी दो काम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से टू एनएडीएच यूज़ हुए हैं, दैट मींस कितने एटीपी, 6 एटीपी का कंजप्शन हो गया है। तो 8 में से 6 एटीपी का, जो आपने 8 एटीपी गेन किए थे उसमें से 6 एटीपी वापस आपके यूज़ में आ गए हैं। तो टोटल जो उसमें बेनिफिट हुआ है आपको एनर्जी का, वो केवल और केवल 2 एटीपी का ही हुआ है। तो अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी का हमें बेनिफिट होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें 2 एटीपी का बेनिफिट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अवायवीय श्वसन में हमेशा हमें एनर्जी वायवीय श्वसन के कंपेयर में बहुत कम प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये एक सप्लीमेंट्री ऑप्शन है, कि कई मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि अगर आवश्यकता हो तो ही अवायवीय श्वसन किया जाता है इमरजेंसी के अंदर। तो ये बात हुई ग्लाइकोलाइसिस की। तो इसके साथ ही पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप है इसका क्रेब साइकिल, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में एक छोटा सा स्टेप होता है जिसको कहते हैं हम पाइरूवेट का एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, जबकि क्रेब साइकिल कहाँ काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो वहाँ पे अगर काम करेगा तो ये जो पाइरूवेट एसिड बना है या पाइरूवेट बना है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। वहाँ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे वहाँ ट्रांसपोर्ट तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये काम नहीं करता एज अ सब्सट्रेट। क्रेब साइकिल के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पाइरूवेट ऑक्सीडेशन। पाइरूवेट जो बना है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के साथ में अगर इसको हम पूरा बोलेंगे तो ये होगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन। मतलब एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, दैट इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सीलेशन। हम इसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। पाइरूवेट ऑक्सीडेशन इज़ अ की कनेक्टर दैट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस टू द रेस्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने बताया था कि पाइरूवेट ऑक्सीडेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्टर स्टेप है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस को जो बची हुई रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उससे लिंक करने का कार्य करता है। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी हैव टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। हमको पता है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमें दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, दैट स्टिल कंटेन्स लॉट्स ऑफ एक्सट्रैक्टेबल एनर्जी, जिनमें भी ऐसी बहुत सारी एनर्जी है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसी को एक्सट्रैक्ट करने का कार्य हम करते हैं पाइरूवेट ऑक्सीडेशन में। पाइरूवेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, ये हम जानते हैं, बट पाइरूवेट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो यहाँ पे जो पाइरूवेट है वह ट्रांसफ़र होके आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है। और प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे तो सारी की सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। सो बिफोर द केमिकल रिएक्शन कैन बिगिन, पाइरूवेट मस्ट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉसिंग इट्स इनर मेम्ब्रेन एंड अराइविंग एट द मैट्रिक्स। सबसे पहले पाइरूवेट जो बनता है वो ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। देन इन द मैट्रिक्स पाइरूवेट इज मॉडिफाइड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैट्रिक्स में पहुँचने के बाद में पाइरूवेट में कुछ रूपांतरण या मॉडिफिकेशंस होते हैं। वे किस प्रकार से होते हैं, स्टेप नंबर 1, अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज स्निप्ड ऑफ पाइरूवेट एंड रिलीज्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम आगे बताऊंगी मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पाइरूविक एसिड का, तो सबसे पहला काम होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निकलना। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम बात कर रहे हैं कि दो पाइरूवेट हो रहे हैं, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे इससे,
दो अणु निकल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. द टू कार्बन मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टेप वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द ऑक्सीडेशन आर पिक्ड अप बाय एनएडी प्लस टू फॉर्म एनएडीएच. नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन निकलते एक प्रोटॉन निकलता है दैट इज एच प्लस, और वो एन ए डी प्लस के साथ जुड़ के एन ए डी एच बना देता है. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. तो पहला रिएक्शन क्या था, डी कार्बोक्सीलेशन, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई. दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन. अब तीसरा स्टेप क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए जो होता है उसका जुड़ना, तो उसमें एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना. तो बेसिकली एसिटाइल तो इसमें ऑलरेडी होता है, को एंजाइम ए का जुड़ना इज़ द लास्ट स्टेप. और ये तीनों स्टेप जो एंजाइम जिस एंजाइम द्वारा किए जाते हैं, तो उस एंजाइम का नाम होता है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत सारे सब यूनिट से मिलके बना होता है, और ये एक साथ तीन रिएक्शंस करता है, जो कि हम इस चार्ट में भी या चार्ट या टेबल में देख पा रहे हैं. स्टेप नंबर वन आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई. स्टेप नंबर टू, यहाँ से एक NADH का निर्माण हुआ, और साथ ही में हम देख रहे हैं स्टेप नंबर थ्री में को एंजाइम ए, ये एसिटाइल ग्रुप तो ऑलरेडी है, ये एसिटाइल ग्रुप CH3CO, और इसमें को एंजाइम ए सल्फर बॉन्ड द्वारा जुड़ गया. तो ये क्या बन गया, एसिटाइल को एंजाइम है. तो स्टेप नंबर वन, अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम पायरूवेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. स्टेप नंबर टू, एनएडी प्लस इज रिड्यूस टू एनएडीएच. स्टेप नंबर थ्री, एन एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू को एंजाइम ए रिजल्टिंग इन एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मेशन. तो इस प्रकार से क्या होता है, रिएक्शंस होती है पायरूवेट के ऑक्सीडेशन की. इफ़ वी कंसिडर द टू पायरूवेट्स दैट एंटर फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो पायरूवेट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो पायरूवेट्स का निर्माण हुआ है, दो पायरूविक एसिड का निर्माण हुआ है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुए हैं. तो टोटल रिएक्शन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट आर कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. टू कार्बन्स आर रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु रिलीज हो जाएंगे. एंड टू NADH आर जनरेटेड फ्रॉम टू NAD, साथ ही में हमको एनर्जी भी प्राप्त होगी. कितने बनेंगे, टू NADH. तो हम देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 8 ATP तो वहाँ बन गए, और प्लस दो NADH यहाँ बन गए. दो NADH मतलब कितने ATP काउंट करेंगे, तो लगभग 6 ATP, तो 6 प्लस 8 लगभग 14 ATP का बेनिफिट अभी तक हमको रेस्पिरेशन में हो चुका है. अभी तक मतलब ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरूवेट ऑक्सीडेशन के अंदर. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेगा क्रेब साइकिल का. तो आपको बस ये चीज़ें रटनी नहीं है बेटा, आपको ये चीज़ें समझनी है. अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी चीज़ें याद करने में, क्योंकि रटने में तो फिर आप कुछ ना कुछ इसमें गलती कर लेंगे. तो हमने किस प्रकार से पढ़ा, आपको उसी प्रकार से पढ़ना है. नेक्स्ट स्टेप में हम शुरू नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, कि उसमें अब आप इतना आप जान चुके हैं कि क्रेब साइकिल कहाँ होगा, ऑफ कोर्स मैट्रिक्स में होगा. और यहाँ पे जो एज ए सबस्ट्रेट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो हम ग्लूकोज से कहाँ पर आ गए, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था 6 कार्बन वाला, उससे हम पहुँच गए हैं 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल तक. ओके, अब ये किस प्रकार से आगे रिएक्शंस होती है क्रेब साइकिल की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. धन्यवाद.